बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। वृंदावन नगरी की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी वृंदावन ई रिक्शा समिति ने एक बार फिर सार्थक पहल करते हुए मृतक ई रिक्शा चालक के परिवार की आर्थिक मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। समिति ने परिजनों को 51,000 रुपए का चेक दिया है, जिसके लिए सभी रिक्शा चालकों ने समिति की अपने शब्दों में प्रशंसा की है। यहाँ बताते चले कि धार्मिक नगरी वृंदावन में ई रिक्शाओं के संचालन के लिए वृंदावन ई रिक्शा समिति का गठन किया गया था, जिससे कि धार्मिक नगरी वृंदावन में ई रिक्शाओं का संचालन ठीक तरह से हो सके। तभी से लगभग 1500 ई रिक्शाओं का संचालन समिति की देखरेख में होता चला आ रहा है। समिति की खास बात यह है कि जहां यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं समिति से जुड़े ई रिक्शा चालकों की हर संभव मदद भी की जा रही है। समिति द्वारा मृतक ई रिक्शा चालक स्वर्गीय अखिलेश राजपूत के परिजनों को आर्थिक मदद स्वरूप उनकी पत्नी विनीता देवी, पुत्री आरजू 10 वर्ष, पुत्र प्रिंस 8 वर्ष को 51,000 रुपये का चेक दिया गया। समिति अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि मृतक अखिलेश वर्तमान समय में वृंदावन के गांव राजपुर में रहता था, जो कि समिति से जुड़ा हुआ था, जिनकी अचानक आकस्मिक मृत्यु हो गई क्योंकि वह समिति से जुड़ा हुआ था। इसी को देखते हुए समिति के अधिकांश सदस्य उनके पृथक निवास पुठन सकरौली इटावा पहुंचे, जहाँ आकर उनके परिजनों को आर्थिक मदद स्वरूप 51,000 रुपये का चेक दिया गया है। सर, आज हमने हमारे अखिलेश ई रिक्शा चालक हैं, जो किसी आकस्मिक दुर्घटना के कारण या किसी मेडिकल से कोई दवा के कारण 2 तारीख को इनकी मृत्यु हो गई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में, इस वेदना की पीड़ा में इसको सहन करने की शक्ति दे। और यहाँ पर और भी घायल हैं, ई रिक्शा चालक समिति की ओर से इनके बच्चों को, जो एक बड़ी बेटी है जिसका नाम आरजू है 10 वर्ष की, और छोटा बेटा है जिसका नाम प्रिंस है, वो 8 वर्ष का है, तो इनके लिए हमने एक ई रिक्शा चालक समिति की ओर से 51,000 रुपये की एक सहायता राशि दी है। मानता हूँ कि ये राशि कोई जीवन नहीं काटेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं हम इनकी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं इन सभी से प्रार्थना करूंगा कि एक इस दुख की घड़ी में इन पूरे फैमिली को थोड़ा सा सहयोग दें, शांति प्रदान करें। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मथुरा में पिछले 2 दशकों से आपकी सेवा में तत्पर है। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रूपा अग्रवाल गोपाल द्वारा सभी प्रकार की जांचों की सुविधा, जैसे कि होल बॉडी MRI एवं CT स्कैन लेटेस्ट मशीन द्वारा, सभी प्रकार के 3D 4D अल्ट्रासाउंड लेवल 2 एवं कलर डॉपलर जांच आधुनिक मशीन द्वारा उपलब्ध है। महिलाओं के स्तन संबंधित बीमारी की जांच अत्याधुनिक मैमोग्राफी मशीन द्वारा, हड्डियों की मजबूती की जांच डेक्सा मशीन द्वारा, समस्त प्रकार के एक्सरे एवं OBG मशीन द्वारा जबड़े की हड्डी का एक्सरे, मिर्गी रोगियों के लिए EEG, फेफड़ों की जांच PFT द्वारा, नसों की जांच NCV द्वारा एवं समस्त प्रकार के पैथोलॉजी जांचें और हेल्थ चेकअप पैकेज भी उपलब्ध है। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मथुरा की प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ डायबिटीज रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष गोपाल द्वारा डायबिटीज, थायराइड एवं मोटापा जैसी बीमारियों का इलाज हुआ आसान। डायबिटीज रोगियों के लिए जांच, रेटिना स्कैन, फुट प्रोफाइल एवं 14 दिनों ग्लूकोज मॉनिटरिंग आदि उपलब्ध है। डायबिटीज रोगियों के लिए इंसुलिन प्रयोग की विधि एवं डाइटिशियन द्वारा खान पान की सलाह, हृदय की जांच ECG, इको, TMT एवं 24 घंटे होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध है। आर्याना वेलनेस फार्मेसी द्वारा मथुरा शहर में दवाइयों की फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। अब रोगियों को मथुरा से बाहर जाने की जरूरत नहीं। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर सभी प्रकार की जांचों एवं डायबिटीज, मोटापा तथा थायराइड बीमारियों का संपूर्ण समाधान केंद्र है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, राधिका विहार Phase 2, हाईवे प्लाजा के पास, मथुरा। दूरभाष संख्या 8477075000 या
8477076। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी इमरजेंसी आईसीयू पीआईसीयू एनआईसीयू सभी प्रकार के सिटी स्कैन एक्सरे अल्ट्रासाउंड अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब प्राइवेट एवं जनरल वार्ड डीलक्स रूम महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा आंखों का ऑपरेशन दांतों का उपचार सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित दर पर दवाइयां 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।